स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अब अधिकारी और माननीयों को भी बच्चों को तालीम देनी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए प्रवेश उत्सव के तीसरे और आखिरी दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की पाठशाला लगाई गई, जहां पर की टीचर की भूमिका में अधिकारी और विधायक नजर आए। जबलपुर शहर की करीब 20 अलग अलग स्कूलों में विधायक और अधिकारियों ने बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। करीब आधे घंटे की क्लास में नेताओं ने अपने जीवन की कहानी भी बताई, जिसे सुनकर छात्र छात्रा रोमांचित भी हुए। जबलपुर शहर के मॉडल हाई स्कूल में भी पूर्व मंत्री और पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने बच्चों की क्लास लगाई। करीब 45 मिनट के एक पीरियड में पूर्व मंत्री ने बच्चों को अपने जमाने की पढ़ाई से रूबरू करवाया। पूर्व मंत्री ने बताया कि जब हम पढ़ाई किया करते थे उस समय और अभी में बहुत अंतर आ गया है। बच्चों के बीच आकर अपना बचपन याद गया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूल प्रवेश उत्सव को लेकर जो पहल की वो सराहनीय है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बच्चों के बीच कुछ पल रहने के बाद ऐसा लगा कि मानो हम भी बच्चे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कल हम भी उस स्कूल में बच्चों के रूप पढ़ाई किया करते थे। पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल से पढ़कर ऐसे छात्र निकले हैं जो कि आज देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तुमने लिखा क्या है उसमें नंबर मिले, तो लिखने का अभ्यास, पढ़ना एक कविता, इस चीज को अपना के चले, हम तेजी के साथ है आगे बढ़ सकते। बच्चों नई शिक्षा नीति आई, सबने सुना है कि समझ लिया, क्यों उनका सामना है आर्थिक चुनौतियां आ रही, अब उसके लायक अपने आप को बना, तकनीकी चुनौतियां अपने आप को तैयार, इसके लिए नई शिक्षा नीति लचीला बन लाया। एक की धारा मैथमेटिक्स पीसीएम 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 के अलावा आप आर्ट्स भी ले सकते हो, बाकी चीजें भी ले सकते हो, योजना में भी विचार करने का प्रारंभ किया चाहिए। कुछ खेलना भी आना चाहिए, किसी को गाना भी आना चाहिए, किसी को कहानी सुनाना चाहिए। आप किसी न किसी विधा में पारंगत होते हो तभी आपकी एक अलग से पहचान आपकी गतिमंडी में, आपके परिवार में, आपके समाज में आपको एक सम्मानजनक स्थान देती है, तब देती है जब आप कुछ ना कुछ और भी करते हो जाते हो, तो इसलिए विभिन्न चीजें मिलती हैं और उस कोशिश करते रहना चाहिए कि हम किस तरीके से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों में पारंगत अपने आप को कर सकते हैं, तो उसके दिशा में हमको काम करते हैं। और जो कुछ कहानियाँ आपने सुनी आज मैं अपना गुजरा जमाना जीने आया हूँ, बचपन को फिर से दोहराने आया हूँ। जिस विद्यालय में पढ़ा है उस विद्यालय के अनुभूति को हृदय में ताज़ा करने के लिए आया हूँ। आज भी इसको कहते हुए गर्व है कि पंडित लज्जा शंकर झा जो महाविद्यालय है जबलपुर का, पिछले 100 साल से ज़्यादा भी है, एक कीर्तिमान स्थापित करता रहा है, देश को इसने अनेकों उपलब्धियाँ दी हैं। आज भी जो बच्चे यहाँ हैं वो उत्कृष्टता के साथ में अच्छा परिणाम लेके दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर उनके साथ अपने आप को पाके धन्य पा रहा हूँ, उनका प्रेम और स्नेह साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर, और नई चीज़ सीखने को मिली। पहली बात तो ये था कि उन्होंने वे ऑफ बताया कि क्या 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 चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है, और जो स्टडी वगैरह है जो वो ओनली जरिया है,
और अपन जो नॉलेज गेन करते हैं वो आगे चलते काम आता है, जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो करना वगैरह जो भी है, तो सब चीज़ में हेल्प करता है। और उन्होंने बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए हम लोगों को और हम लोग बहुत प्रेरणा मिली है। अनुराग सिंह, सर बहुत अच्छा लगा उन, वो इस स्कूल में पहले से ही पढ़े हुए हैं तो उन्होंने भी हम लोगों को अपने संस्मरण सुनाए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को ये सीखने मिला कि हम लोगों को अभी अपने बड़ों की बातें सुनना चाहिए, उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और पढ़ाई सिर्फ एक ज़रिया है किसी चीज़ को पाने का। नाम यशी जैन।